वाइट ही है। ये देखें जी, ये शेर दो चूजे लेके आया हुआ है। शेर साहब के नाम क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी ठीक ठाक होगे और खैरियत से होगे। दोस्तों अभी अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ तो देखा है कि बिल्ला भी इधर सही था, सेफ था, और मुझे लगता है मेरा चूचा अभी तक सही है, मतलब कि जिंदा है। कल रात को मुझे लगा था ये सुबह तक मर जाएगा, पर शुक्र है वो नहीं मरा। तो सबसे पहले हम ना बिल्ले को नीचे छोड़ते हैं, यानी बिल्ले को नीचे छोड़ना हमारा सबसे पहला काम होता है। वो कबूतरों को ऊपर लेके आते हैं और बिल्ले को इधर बंद कर देंगे। तो मैंने पानी भी डाल दिया है और अब बच्चों वाले कबूतरों को निकाल देते हैं बाहर। कबूतर सारे मैंने छोड़ दिए, तो अब ना दो कबूतर को पिंजरे के बीच बंद कर देंगे वापस। मैंने कबूतर सारे छोड़ दिया, मैं बाजरा ले कर आता हूँ और इनको बाजरा डाल, अब इनको दाना डाल देते हैं। ये देखें, ये पहले इनको पता होता है कि हमें इस टाइम दाना मिलता है रोज़, इनकी टाइमिंग पक्की रखी है मैंने। और मैं सोच रहा हूँ चुटकू के साथ ना एक और उसके जैसा लेके आऊँ या देसी लेके आऊँ, ये पता नहीं चल रहा यार मुझे। मैं चुटकू को भी निकाल लेता हूँ बाइक को, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसको थोड़ी देर धूप ऊपर बंद करें, रात का रहता है ना तो उसको सर्दी सर्दी महसूस होती है। ये दाना भी रखा था इसके लिए थोड़ा सा, थोड़ी देर धूप में बैठो, तब तक मैं इन कबूतरों को दाना डालता हूँ। और भी कबूतर सही हो रहा है हमारा, भी जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये वाला ये भी सही हो रहा है। बाकी बच्चे देखते हैं बच्चों की क्या यार सूरत हाल है, सही है या नहीं। ये बच्चा भी सही है, ये बड़ा सियाना जी। कल मैंने इधर से छोड़ा, ये सीधा अंदर गया, मगर इसको आज बीच से छोड़ेंगे। दोनों छोटे बच्चे देख लेते हैं, तो माशाल्लाह जी दोनों छोटे बच्चे भी सही हैं। ये देखें, इसको दिखाते हैं, ये तो रेड आइज है ना। हाँ जी, दोनों की माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। दूसरे बच्चों जो थी, ये बड़ा है, ये छोटा है, उनको भी अंदर छोड़ देते हैं। इस कबूतरी ने भी आजकल बच्चे निकाले नहीं, ये कबूतरी चा, ये देखें जी, बस अगर इसको बंद करते हैं और दाना खा रहे हैं। रिजाक सिर्फ देखते रहता है लेट के। अली भाई अभी तक नहीं आए, अली भाई अभी आ जाएंगे तो फिर हम ना मतलब सही से करेंगे लोगों को। अब ये दाना खाएंगे तो फिर बच्चों को फीड भी करवानी है यार आज फिर, और बाकी कबूतरों को देख लें, बाकी तो सही है ना। हाँ जी दोस्तों, सारे कबूतर सही है, देखें। और ये हमारा जो उठता है पुट्ठा, लेंटर डर रहा है मेरा, सुबह का सर पीड़ हो रहा है दोस्तों। ये देखे बच्चे नीचे छोड़े हैं तो कैसे फिर रहे हैं जी, और वीडियो भी नहीं सही बन रही, बीच में उनका शोर आ जा रहा है। बीच में दाना खा रहे हैं और इनको और भी थोड़ा सा दाना डालते हैं। वो देखे जी बच्चों को, यही मैं इसलिए निकालता हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा दाना खाना सीख दे, बाकी इनको माँ बाप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिन और हो गए, अगली इतवार तक ये खाने लग जाएंगे। ये देखिए जी, मैं दाना फैला दिया, कबूतरों को भी खोल ही देता हूँ। दो कबूतर बीच में ही है, बाकी सारे बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए जी, बच्चे भी दाना खाने लग गए हैं, बीच में गुल मिल गए हैं। अभी भाई आएँगे, बाकी वीडियो तब बनाएंगे और ये भी करेंगे। तो दोस्तों मैं अभी इधर बैठा हूँ तो उसने अपने बाप से देखे दाना मांग रहा है, वो उसको फीड करवा रहा है, बाहर करवा रहा है। ये देखें जी, और ये बच्चा इधर है, इसको भी चाहिए उधर भाई सैर बजाए, ये खुद ही नहीं जा रहा। वो बस उसने इतनी इसको करवानी, बाकी देखना दूसरे बच्चे को करवाएगा। तो दोस्तों अभी अभी मैं बाज़ार गया था, बाज़ार से वापस आया हूँ तो मैं एक चीज़ लेके आया हूँ का दोस्त, जो कि वाइट कलर में है। देखें, मुझे उधर ये बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने कहा चलो ले जाते हैं, हमारा चुटकू भी अकेला है तो इसको ले कर चलते हैं। और इसका अली भाई पता नहीं आज क्यों नहीं आया, मुझे लगता है काम ज़्यादा था, लेट हो गया। ये देखें, दोनों की दोस्ती अब जल्दी हो जाएगी। ये देखें, मैं इसको इधर मिट्टी पड़ी है गंद वगैरह उसके बीच छोड़ता हूँ, चल चल। ये देखें, ये आगे दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों सेब ने आप गुड न्यूज़ तो बता ही दी होगी, एक चूज़ा और ले आया है। अभी मैं आया हूँ तो मुझे बता रहा था, कह रहा मैं एक चूज़ा और ले आया हूँ, तो अभी वाइट ही है। ये देखें जी, ये शेर दो चूज़े लेके आया हुआ है। शेर साहब के नाम क्या ही बात है। और ये हमारा पेड़ लग गया नहीं लगा नहीं। इसे कबूतर को छोड़ नीचे,
पर आ रहे हैं, नहीं उड़ता। जी लगने वाला है, बस कबूतर मस्ती करने लग पड़ा फीमेल के साथ। लग गया है, बस थोड़ा सा रह गया आज की डेट में। और चलो बाकी कबूतर तो खोल। दोस्तों आज हमने जाना अपने दोस्त के पास, उसका मुझे कॉल आई थी, कह रहा था यार मेरे पास ना ऑस्ट्रेलियन पेड़ था, शॉप पे पेड़ आया था तो वो किसी दूसरे जो लव बर्ड है ना उन्होंने मार दिया, खोलना है। जो लव बर्ड है ना उन्होंने मार दिया है पेड़ को, तो उनके ना एक छोटा बच्चा है, एक ही था, तो कह रहा यार उसे ले आ और खुद ही ना उसे फीड करवा ले, कहता तू एक्सपर्ट है फीड में, मैंने पहले भी एक बच्चा पाला हुआ है ना, एक नहीं कई बच्चे पाले हुए। तो मैं दोस्तों अब सोच रहा हूँ कि वो आज जाऊँगा उधर से वो बच्चा भी लेके आऊँगा। वादिए अब कह रहा उड़ाने लगा, कोई बात नहीं, इसने दाना वगैरह खाया है ना, ये क्या आने देने नीचे ही आने दे, ये दे इसके लिए ना हम एक और लेके आते हैं यार, ऐसे नहीं इसमें होगा एक और, हमने ना दिया ही एक कबूतर ठीक नहीं हुआ, हो गया है काफ़ी बेहतर है अभी तो, ये देखो उसके कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए, कमज़ोर हो गया ना वाइट, यार वाइट ये देखो दोस्तों चूच ब्लैक कर रहा नीचे से, हाँ ब्लैक कर रहा नीचे से ना, हाँ इन दोनों को रख दो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ सही हो रही है ना, तू इनका देखो ना माशाल्लाह पोर्ट कितना माशाल्लाह वो बढ़ते हैं, बाकी माशाल्लाह यार दोस्तों कबूतर अब कितने ज़्यादा ज़्यादा लग रहे हैं, ये देखो यार माशाल्लाह ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, किधर है किधर मुझे पता ही नहीं चला, मैं नीचे बच्चा दिखा रहा था लागे बता, सारे सारे वो लकवे वाला भी ले आ, ये भी सही हो गया इसको भी उड़ाएंगे, नहीं उड़ाना नहीं यार देखेंगे यार अगर उड़ गया तो उड़ा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अजीजों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।